हाँ चलो उठ जाओ, उठो उठो, ये देखिए। तो फिलहाल अभी मैं हूँ सिविल लाइन एरिया में और पानी जो है वो बहुत तेज़ गिर रहा है। और हमारे जतिन भाई हैं एक, उनका कॉल आया है, उनने घर बुलाया है, शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बर्ड्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उनके यहाँ भी एक छोटी सी एवेरी है और उसमें उनने कॉकटेल वगैरह रखे हुए हैं। तो चलिए चल करके देखते हैं, विज़िट करते हैं क्या हो रहा है, क्यों बुलाया है और क्या प्रॉब्लम है। तो बस मैं घर ही देखते जा रहा हूँ, एक ही बार मैं उनके यहाँ आया हूँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअल बात ये है कि आज के दो दिन पहले जतिन भाई का मेरे को कॉल आया और ये हमारे ही शहर में हैं और सिविल लाइन एरिया में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं वो पाल कर रखे हुए हैं और ख़ास तौर से कॉकटेल जो हैं इनके यहाँ बहुत ही अच्छे और बहुत सारी म्यूटेशन में हैं। पहले भी मैं एक दो बार आ चुका हूँ इनके यहाँ और इनका कॉल आया था डायमंड डब को लेकर के कि डायमंड डब है हमारे पास में। लास्ट टाइम जो है मैं नाइट में आया था। तो भाई आप पहले एक मिनट आ जाना, भैया को खींचने का फोटो आता है। जी जी, मैंने उनको पकड़ने में भी मुझे हालत ख़राब है। देखो ये बच्चा है उसका। राइट, ये कौन से वाले डब हैं? डायमंड डब्स। अच्छा, इसमें भी वो होता है ना एक, वो ये मेल है। हाँ ओके, आँखें जिसकी चौड़ी होगी वो मेल है, जिसकी सकरी आँख होगी फीमेल। अच्छा है ना, पहले इसी को पकड़ना। राइट, तो ये डायमंड डब का सेटअप ही आपने नया बनवाया था क्या? नहीं, ये मैंने एक दोस्त से लिया था, उसने मैंने ख़त्म किया था पक्षी का सेटअप। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि ये ओपन एरिया में रखे हुए हैं और इनका कहना ये है कि बारिश में ये भीग जाते हैं और इनका शायद अभी कुछ मन भी नहीं है डब को रखने का। तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये अक्षत एग्जॉटिक बर्ड्स में चले जाएँ। और ये इसका बेबी है। और यहाँ पर रखे हुए हैं कॉकटेल। वाओ, बहुत सारे हैं। इसमें एक इनो भी है, एक इनो भी है। वो बड़े ही नेचुरल स्पॉट में बना हुआ है, आप देखिए गार्डन है चारों तरफ और ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है और सीट डाल के रखी हुई है ताकि पानी ना आए। तो ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर ये एकदम खुले में, यहाँ पर ये केज था, इसके ऊपर पॉलीथिन उन्होंने लगा के रखी हुई है, लेकिन ये लगातार गीले हो रहे हैं। तो मुझे कॉल आया था और ये बेबी है, खोलो। अच्छा, एक पकड़ भी गई। ये बच्चा है? बच्चा है। इनको साथ ही में रखना है माँ के साथ? अभी अभी तो फीड, सेल्फ फीड होने लगा। हाँ हाँ, तो डायमंड डब जो है ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है और ये स्मॉलेस्ट पिजन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे छोटा कबूतर इसी को बोलते हैं। और देखिए कितना ही क्यूट बर्ड होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में एकदम खुले में रहते हैं। तो ये डब का सेटअप था, पूरा का पूरा खाली कर दिया है। और तो ये करीब 3 पेयर डायमंड डब हैं जिसमें एक बेबी है और 5 जो हैं वो एडल्ट हैं। तो चलते हैं इनको घर लेकर के और अब ये अक्षत एग्जॉटिक बर्ड्स के नए मेहमान होंगे। तो अब हम इन्हें लेकर के आ गए हैं घर में और चूँकि पहले से मेरी कोई प्लानिंग थी नहीं डब को रखने की और अचानक से ये डायमंड डब जो हैं वो कैसे आ गए इसकी बात करेंगे और डब की कुछ बेसिक बातें करेंगे कि ये बर्ड कैसा है, इसका हैबिटेट कैसा है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है। और इन्होंने मुझे इसके जो नेस्टिंग मटेरियल के साथ में नेस्ट भी दिए हैं और ये दो बार इस छोटे छोटे से नेस्ट बॉक्स में ये ब्रीड भी कर चुके हैं। तो आइए इनको सबसे पहले तो बड़े केज में रिलीज़ करते हैं और पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं थी जैसा कि मैंने बताया, तो अभी फ़िलहाल इनको इस केज में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। और एक्चुअली हुआ ये कि इनका जो बर्ड सेटअप है गार्डन एरिया में है और अभी लगातार तेज़ बारिश हो रही थी और उनकी काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब थी और कभी 2-4 दिन हॉस्पिटलाइज भी थे वो। तो उनका कहना था कि डायमंड जो डब जो हैं वो अभी मैं रखना नहीं चाह रहा, तो प्लीज़ आप इन्हें लेकर के चले जाएं क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं रहना चाहता, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी और सेफ जगह पर मैं ये बर्ड को दूं जहां ये एक साथ रह सकें। ये छोटा बेबी है और अभी ये 10-15 दिन का। बहुत ही शांत बर्ड होता है और ये कभी काटता नहीं, ये देखिए उल्टा ही बैठा है, ऐसा लग रहा है बीमार है लेकिन ये बीमार नहीं है। ये बहुत ही शांत और बड़ा क्यूट बर्ड होता है और ये कभी नहीं काटता। अभी ये देखिए मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है, वैसे ही सो गया। पास से दिखाओ, एकदम पास से और पास पे लेके आओ, ये देखिए
हाँ चलो उठ जाओ, उठो उठो, ये देखिए। तो फाइनली इनको रिलीज़ कर दिया है एक बड़े केज में, और अभी तो ये नीचे ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, लेकिन इन्हें आज मैं शाम को अभी एक आध घंटे के बाद में जब मैं अपनी अवेरी में ऊपर जाऊंगा तो टेरेस में, तो वहाँ पर ले जाकर के किसी जगह में इनको व्यवस्थित रख दूंगा। और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ब्रीड भी करेंगे, और आप अक्षत एग्जॉटिक बर्ड्स में आपको डायमंड डब को लेकर भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो लोग जो डब पसंद करते हैं या रखना चाहते हैं या पहले से रखे हुए हैं, तो उनके लिए चैनल में इसके लिए विशेष तौर से जानकारी जो है वो उपलब्ध रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।